मित्रों, आज श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन बीजेपी ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन का शुभारंभ करने जा रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में उत्साह भी है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा हुई और उसमें तय हुआ कि हमें ज्वाइन बीजेपी ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन ओएमसी का कार्यक्रम आंदोलन के रूप में युद्ध स्तर पर शुरू करना चाहिए। और आज हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन बीजेपी ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन का शुभारंभ आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के हाथों से हो रहा है। श्रद्धेय आडवाणी जी और हमारे मित्र और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास जी नकवी और हमारे आईटी सेल का काम देख रहे अरविंद जी, यहाँ उपस्थित मेरे मित्रों, वैसे आज के कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने फैसला किया था कि सरकार बन जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। वैसे सामान्यतः परंपरा यह रही है कि जब संगठन का चुनाव होने वाला होता है तब हम मेंबरशिप कैंपेन प्रारंभ करते हैं। वैसे उसके पहले भी कोई बनना चाहे तो बन सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति सारे देश में जो लोगों की एक रुझान बनी है और भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में अब तक सरकारें रही हैं और हैं, उनके गवर्नेंस का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देखने के बाद सहज रूप से लोगों की एक धारणा बनी है कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट देने वाली सबसे बेहतर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ी और हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी है। मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकारों ने यह परफॉर्मेंस न दिया होता और नरेंद्र भाई मोदी जैसा एक लोकप्रिय नेता न रहा होता तो शायद हमको यह कामयाबी हासिल न हो पाती। लोगों के अंदर जो विश्वास पैदा होना चाहिए वह विश्वास शायद पैदा न हो पाता, लेकिन एक भरोसा, एक विश्वास यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेंबरशिप के माध्यम से वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है और मैं विशेष रूप से आईटी सेल को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। अरविंद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि चुनाव के पहले भी हमारे आईटी सेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे और इसके परिणाम स्वरूप हमारे इलेक्शन कैंपेन को एक मोमेंटम मिला है और बहुत ही उसका एक कॉमन मासेस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो आज के अवसर पर मैं अपनी आईटी सेल को विशेष रूप से बधाई देते हुए मैं सभी देश के ऐसे सारे सम्मानित नागरिकों का आह्वान करता हूं कि वह ऑनलाइन मेंबरशिप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से वह जुड़ें। यही अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे वरिष्ठ नेता
श्रद्धेय आडवाणी जी इस समय हम सबके बीच मौजूद हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन बीजेपी ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो रहा है, उसमें दो तीन बहुत प्रमुख लोग, वैसे तो आज बाहर हमारा पूरी व्यवस्था है उसमें होगा, जो आज ऑनलाइन बीजेपी की मेंबरशिप ले रहे हैं, उसमें शक्ति सिन्हा साहब हैं, मैं मंच पे तो करूँगा, ये एम्बेसडर रहे हैं और बहुत ही जाना माना नाम है। शिवानी कश्यप जी हैं, ये बहुत जाना माना नाम है, ये गीतकार हैं। और राजेश गर्ग साहब हैं, ये भी आईटी क्षेत्र के बहुत जाने माने नाम हैं। मैं उनसे तीनों लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आइए। ऐसे ऐसे बनने के लिए आए हैं तो स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय आडवाणी जी, आज दिन बहुत आनंद का है क्योंकि भारतीय जनसंघ की यात्रा जब शुरू हुई थी तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिम्मे ये काम किया था कि निर्माताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय से पहले कभी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे लेकिन संविधान बनते समय उनसे अपने कई लोगों ने बातचीत की थी जिनमें दिल्ली में ही रहने वाले उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के प्रांत प्रचारक वसंतराव ओक प्रमुख थे, उन्होंने विशेष रूप से बात की थी और वे इस बात के लिए तैयार हो गए कि आप सब साथियों की इच्छा है तो आज की स्थिति में जब भारत का संविधान बन गया और भारत के नए संविधान के अनुसार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने घोषणा की है कि पहला आम चुनाव वह 1952 में होगा, तो 52 में चुनाव होने से पहले अगर एक ऐसी पार्टी तैयार की जाए कि जो भारतीय संस्कृति के आधार पर देश का विकास करने का संकल्प ले और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे हम कैसे कैसे भिन्न हैं इसको प्रस्तुत करते हुए बाकी जो पार्टियां हैं जिनमें से अधिकांश साम्यवादी पार्टी से प्रभावित हैं उनसे हम कैसे भिन्न हैं ये बताते हुए अगर हम पहले आम चुनाव में भी अपनी एक छाप निर्माण करें तो अच्छा होगा, ये उन्होंने मन में तय किया। और फिर इस सारी बातचीत के अनुसार उन्होंने कहा कि मेरा अपना प्रभाव जो है वह तो बंगाल तक सीमित है और इस समय पहले आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को या बंगाल में प्रतिनिधित्व मिला था या फिर राजस्थान में प्रतिनिधित्व मिला था। बंगाल में हमारे दो सदस्य चुने गए थे, एक डॉक्टर मुखर्जी, एक श्री बैनर्जी करके दूसरे सज्जन थे। और राजस्थान से जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए वो थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वो चुने गए चित्तौड़ से, राजस्थान से उमाशंकर त्रिवेदी। और ये तीन पहले सांसद हमारे चुने गए थे, अटल जी पहले चुनाव में नहीं लड़े थे और ये तय हुआ कि अच्छा होगा कि डॉक्टर मुखर्जी इसके बाद
श्री गुरुजी से मिले और उनसे बात करके आगे की योजना बनाए और ये सब कुछ हुआ। मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से जनसंघ के जीवन में और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के जीवन में ये जो भेंट थी श्री गुरुजी के साथ डॉक्टर मुखर्जी की, वह अहम भेंट थी, एक टर्निंग पॉइंट था भारत के राजनीतिक इतिहास में। इस नाते कि उसी एक भेंट में यह तय हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री गुरुजी को कन्विंस करने में सफल हुए कि आपका कहना है कि आपका कार्य है व्यक्ति निर्माण करना, संघ का कार्य जो समर्पित हो, देशभक्त हो और राष्ट्र के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो, ऐसे लोगों का निर्माण करना आपका कार्य है, राजनीति आपका कार्य नहीं है, माना मैंने। लेकिन मैं जिस नए दल की रचना करने जा रहा हूँ आपके ही कई सहयोगियों की सलाह से, वह मैं कर नहीं पाऊँगा अगर हर प्रदेश में मेरे पास 2-3-4 ऐसे समर्पित कार्यकर्ता होंगे कि जो सब कुछ बलिदान करने को तैयार हों। और इस भेंट में से जो ये मुलाकात हुई गुरुजी की और डॉक्टर मुखर्जी की, प्रमुख बात यही निकली कि अच्छी बात है, संघ सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लेगा लेकिन इस प्रकार से कार्यकर्ता हमारे जो अच्छे कुशल संगठक हैं, समर्पित लोग हैं राष्ट्र के लिए और कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं, ऐसे लोग सारे प्रदेशों में हों। और ऐसे मैं समझता हूँ कि अंदाजन मेरा है कि करीब 30-40 लोग, उनको ये दायित्व दिया गया, वो थे तो संघ के प्रचारक, लेकिन संघ के प्रचारक से मुक्त करके और उनको कहा गया कि आप इस राजनीतिक दल को खड़ा करने में अपना योगदान करें। और उनमें बहुत सारे लोग थे, प्रमुख सबसे बड़े वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जो उत्तर प्रदेश में से थे, दूसरे कुशभाव ठाकरे थे, तीसरे सुंदर सिंह जी भंडारी थे। और ये सब लोग अंदाजन मेरा अंदाजा है कि करीब 25-30 लोग, ऐसे लोग सारे देश में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर के और केरल तक, पी परमेश्वरम थे केरल से, ऐसे सब लोग इस काम में जुटे और उसके आधार पर आज की स्थिति बनी है। और आज हम उस युग में पहुँचे हैं कि जिसको कहा जा सकता है कि यह तो इंटरनेट का युग आ गया है, यह तो सचमुच एक नया युग है, नया परिवर्तन आया है। और ये बात सही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं समाज के, तो भारतीय जनसंघ का काल हो या आज भारतीय जनता पार्टी का काल हो, हमने आधुनिक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस होते हैं उनका हमेशा उपयोग किया है। इसीलिए आज अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया कि ऑनलाइन मेंबरशिप आज से शुरू की जाए और शुरू शुरू में ही ऐसे कुछ प्रमुख लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जाए जो आकर के और यहाँ ऑनलाइन अपनी मेंबरशिप रिकॉर्ड करें, और उसका आरंभ किया है। मैं बधाई देता हूँ अध्यक्ष जी को और मुझे खुशी है कि आज क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के कारण नियम अनुसार हमारे सेंट्रल हॉल में जितने भी प्रमुख लोग सांसद होते हैं वे सब आते हैं और जिन जिन की प्रतिमा या जिन जिन का चित्र वहाँ पर लगा हुआ है तो उसके सामने और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो हम सभी लोग, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी
और संसद के बाकी सब लोग, हम सब लोग वहाँ पहले गए थे जो 10:30 बजे होता है, और उसके बाद क्योंकि सूचना मिली थी यहाँ कार्यालय से कि 11:15 बजे यहाँ पर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और सम्मान दिया जाएगा, तो मुझे तब ये जानकारी नहीं थी कि आज ये ऑनलाइन जो मेंबरशिप है वह भी शुरू होने वाली है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे तो बोनस प्राप्त हुआ आज कि आपके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और पुष्प अर्पित करने के अलावा ये ऑनलाइन का उद्घाटन देखने का अवसर मिला, और वो दिन भर चलता रहेगा, जो जो आएगा आकर के अपना करेगा, उनमें से जो प्रमुख लोग हम ला सकें या जो स्वयं आए उनकी सूचना पत्र पत्रिकाओं को मिले, इसकी व्यवस्था ज़रूर कार्यालय को करनी चाहिए। मित्रों, श्रद्धेय अडवाणी जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, और जैसा उन्होंने बतलाया है कि आज 6 जुलाई है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और हमारे भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, आज उनका जन्मदिन है। आज हम लोगों ने कार्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और जब मैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन इतिहास पर नज़र डालता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं अपने को और हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि स्वतंत्र भारत में यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने अथवा इसे छोड़ दें तो हम कहें कि इसे हिंदुस्तान के किसी राजनेता ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है, तो उस राजनेता का नाम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनके द्वारा हमारी भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, और जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी उसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी हम अपनी राजनीतिक यात्रा चला रहे हैं। और यह सौभाग्य है जिसका बीजारोपण जिस विचारधारा का हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने किया था, उसी विचारधारा के आधार पर चलने वाली यह भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। स्वतंत्र भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक कद नहीं बड़ा कर पाई, अकेले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्र भारत की यह भी एक उपलब्धि है, कांग्रेस को छोड़कर भारत की संसद में कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी किसी राजनीतिक पार्टी ने क्लियर मेजॉरिटी हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है, और यह हम सबका सौभाग्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है, चाहे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी रहे हों, चाहे हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, बक्षराज जी व्यास, स्वर्गीय कुशा भाऊ जी ठाकरे, भंडारी जी, ऐसे लंबी फहरिस्त हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने अपनी जिंदगी खपाई है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जो एक ऊंचाई हिंदुस्तान में हासिल हुई है, सबसे बड़ा योगदान यदि मैं इसमें मैं मानता हूँ तो श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय अडवाणी जी की जोड़ी का मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को यह ऊंचाई हासिल हुई है, और आज यहाँ पर हम लोगों की सरकार है। आज के अवसर पर पुनः हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है आप सबके बीच भी, श्रद्धेय अडवाणी जी की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ, श्रद्धेय अटल जी की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के प्रति हम लोग हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।